सुजान पटेरा के वार्ड नंबर 9 में बीते एक सप्ताह से लाइट की आंख मिचौली का खेल खेलते नजर आ रहे हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि विभाग द्वारा लगाई गई लाखों रुपए के ट्रांसफार्मर सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइट गुल रहती है, जिसके चलते लोगों को जरूरी काम निपटाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं ठंड के सीजन में लाइट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते लाइट बंद कर दी जाती है, जिससे विभाग बार बार लाइट ठीक तो कर देता है, लेकिन लाइट गुल होने के कारणों का पता नहीं लगा पाता है, जिससे लोगों में रोष पनप रहा है। पाटवासी राम सौरभ विकास राजेश मुकेश ने बताया कि लाइट की समस्या बाट में बनी हुई है, जिससे लोगों को गर्म पानी करने की समस्या बनी हुई है। यदि समय पर बिजली का बिल जमा ना करवाएं तो विभाग मीटर काटने की धमकी देता है, लेकिन यदि लाइट की समस्या बनी हुई है तो विभाग की क्या जिम्मेदारी है, ये बाढ़ का हर व्यक्ति पूछता नजर आ रहा है।